यहाँ एक और प्रेरणादायक कहानी है जो छात्रों के लिए विशेष रूप से प्रेरणादायक है। कहानी द्रोणाचार्य और एकलव्य। महाभारत के काल में एकलव्य नामक एक वनवासी बालक धनुर्विद्या सीखने का प्रबल इच्छुक था। उसकी सबसे बड़ी चाह थी कि वह महान गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करे, जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और उनसे शिक्षा देने की विनती की, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे मना कर दिया, क्योंकि वह केवल राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाने के लिए प्रतिबद्ध थे। एकलव्य निराश नहीं हुआ। उसने जंगल में गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उसी मूर्ति को अपने गुरु के रूप में मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। वह दिन रात अभ्यास करता रहा बिना किसी वास्तविक गुरु के। उसकी लगन, समर्पण और अनुशासन के कारण वह एक महान धनुर्धर बन गया। एक दिन जब द्रोणाचार्य और उनके शिष्य जंगल में शिकार के लिए गए, तब उन्होंने देखा कि एक कुत्ते का मुंह बिना किसी चोट के तीरों से भरा हुआ था। यह देखकर द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित हो गए और उस अद्भुत धनुर्धर को ढूंढने लगे। तब उन्हें पता चला कि यह वही एकलव्य था जिसे उन्होंने कभी शिक्षा देने से मना कर दिया था। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम किया और बताया कि उसने उनकी मूर्ति को अपना गुरु मानकर यह सब सीखा है। प्रेरणा के संदेश। 1. आत्म प्रेरणा और समर्पण। यदि आप पूरी निष्ठा, लगन और अनुशासन से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, तो कोई भी बाहरी बाधा आपको रोक नहीं सकती। एकलव्य ने गुरु के बिना भी अपनी मेहनत से महान धनुर्धर बनने का सपना पूरा किया। 2. स्वयं की क्षमता पर विश्वास। हमें हमेशा अपनी क्षमता पर विश्वास करना चाहिए। एकलव्य का आत्मविश्वास और आत्म प्रेरणा ने उसे अपने सपने को हासिल करने में मदद की। 3. अवसर की प्रतीक्षा न करें। कई बार हमें उचित अवसर नहीं मिलते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने लक्ष्य से पीछे हट जाएं। सही मार्ग पर निरंतर चलने से हम अपने दम पर भी उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं। यह कहानी छात्रों को यह सिखाती है कि सफलता के लिए किसी बाहरी मदद की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं है। अगर हमारे पास समर्पण, आत्म प्रेरणा और मेहनत है, तो हम अपने दम पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे स्थिति कैसी भी हो।